रात्रि में यूपी 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी जो एक युवती द्वारा दी गई थी। उसके द्वारा बताया गया था कि थाना तानगंज क्षेत्र के एक होटल में उसे नौकरी के बहाने बुलाकर दो लोगों द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया था। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसका जो मुख्य अभियुक्त था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। क्या सूचना मिली सर आपको? एक सूचना प्राप्त हुई थी 112 नंबर से कि एक महिला ने सूचना दी कि मेरे साथ दो व्यक्तियों ने गलत काम किया, तो इस पर हम लोगों ने कहते हैं तत्काल महिला से पूछताछ की, तो ये प्रकाश में आया है कि ये महिला उस व्यक्ति के टच में है और कई बार ये आगरा उनके साथ आई हैं, कई और जगह भी गई हैं, अब उस व्यक्ति के निशानदेही कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करी जा रही है। ये किसी होटल का मामला है किसी? हाँ, इन्होंने बताया कि कई बार जब आई हैं तो अलग अलग होटलों में रुकी हैं और अपने आप को उसकी मित्र बता रही हैं और ये भी कह रही हैं कि उसको हम जानते हैं, उसका नंबर भी है, उसके नंबर के आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। भाई साहब मास्क उतरवा दीजिए, चेहरा देखो भाई साहब मास्क उतार दीजिए, मास्क उतार दीजिए, आपको पता तो चले हैंड कोई कोरोना नहीं है, मास्क उतारिए आप, चेहरा तो दिखाइए। नाम क्या है? लाल सिंह चौहान। लाल सिंह चौहान कहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं आप? होटल में आपकी सीसी फुटेज मिली है। कहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं आप? आप किस पार्टी से हैं आप? लाल सिंह जी आप किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से नेता हैं आप? भाजपा के नेता हैं क्या? लाल सिंह जी भाजपा के नेता हैं क्या? भाजपा से हैं। फोन पे हुई थी तो आपने होटल में ले आके उसका रेप किया है? नहीं तो आपके वो आरोप लगा रही है आपके ऊपर? वैसे झूठा आरोप लगा रही है, उसने मेरे साथ में ठगी और की है, उसने मुझे जंजीर दी। नहीं तो जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।